हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लस फोर किसी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचपी लैपटॉप को रिपेयर करेंगे जो कि डेड कंडीशन में है, उसको हम रिपेयर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इसे पावर ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पावर ऑन बटन को प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई भी रेडिंग ग्लो नहीं कर रही है और लैपटॉप ऑन भी नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इसकी बैटरी खराब हो, ये भी हो सकता है कि इसका अडाप्टर खराब हो। हम क्या करते हैं, पहले इसके अडाप्टर को लगाते हैं और अडाप्टर को चेक करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि एचपी का लैपटॉप है, तो इसमें दो तरह के आउटपुट आते हैं, और जिसमें एक तो नॉर्मल होता है 19 वोल्ट और दूसरा होता है अडाप्टर आईडी, जिसकी वजह से नहीं बनता तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो अडाप्टर को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी 20 वोल्ट पे और इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 19.77 वोल्ट जो मिल रहा है, ये हमारा नॉर्मल अडाप्टर वोल्टेज है, और ये हमारा अडाप्टर आईडी है 17.53 जो वोल्ट मिल रहा है, ये हमारा अडाप्टर आईडी। तो इसे हमारी बैटरी चार्ज भी होनी चाहिए और लैपटॉप भी ऑन होना चाहिए। तो चलें इसको अडाप्टर को लगाते हैं और चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने अडाप्टर लगा दिया, इसकी कोई भी एलईडी फिर भी ग्लो नहीं हो रही है। और चलें इसको पावर बटन प्रेस करके देख लेते हैं। तो पावर बटन प्रेस करने पर भी कोई भी एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही है और इसमें चालू भी नहीं हो रहा है, कोई साउंड भी नहीं आ रहा है इसके फैन घूमने का। तो इससे पता हो चुका है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है इसके अडाप्टर की नहीं है, इसमें हार्डवेयर की कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। हाँ, अगर आपके पास ऐसा लैपटॉप है जिसकी बैटरी निकलती है बाहर से ही, तो आप इसके बैटरी के कनेक्टर पर 3.3 वोल्ट चेक कर ले, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने 19 वोल्ट जो सिस्टम है वो ओके है, और उसके बाद 5.5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की जो सिस्टम है उस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो हम अभी चेक नहीं कर सकते बैटरी निकाल के, बैटरी निकालने के लिए कुछ कवर को निकालना होगा, और उसके बाद में हम इसके वोल्टिंग जो सेक्शन है वोल्टिंग सेक्शन को चेक करेंगे, और जो भी 19 वोल्ट से रिलेटेड सेक्शन है वो सब सेक्शन को चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसके कवर को निकाल लेते हैं और इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल के फिर इसको चेक करेंगे। तो इसको फटाफट खोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी बैटरी को बाहर निकाल दें और इसके कवर को निकालते हैं, उसके बाद हम इसमें पावर को लगा करके देखेंगे, तो चार्जर को लगा करके देखेंगे कि हमारा जो वोल्टिंग सेक्शन है उसमें जो फ्यूजिबल रजिस्टर लगा होता है उस पर हमारा हमको 19 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये इसकी SSD हार्ड डिस्क है और M.2 की है, और ये DDR4 RAM। वाईफाई कार्ड को भी बाहर निकालेंगे क्योंकि वो रुकेगा मदरबोर्ड निकालने में, फटेगा, और उसके पहले कीबोर्ड निकाल देते हैं। उसके बाद कीबोर्ड के नीचे हमको कुछ स्क्रूज मिलते हैं, तो उसको भी खोलेंगे और इसके कवर को निकालेंगे, तभी मदरबोर्ड हमारा जो है बाहर आएगा। ये हमारा वोल्टिंग सेक्शन है और यहीं पे हमारा फ्यूजिबल रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम उस पर 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं, 19 वोल्ट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये दो फ्यूजिबल रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, दोनों पे चेक करते हैं। तो ये वाले पे तो नहीं आ रहा है और यहाँ पे नहीं है,
और ये वोल्टेज सेक्शन का मॉसफेट है, तो इसके ड्रेन पे हमको 19 वोल्ट इन हो रहा है और लेकिन यहाँ पर से आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा फ्यूजिबल रजिस्टर है और इस पर हमको 19 वोल्ट नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सबसे पहले वोल्टेज सेक्शन के 19 वोल्ट जो कि कॉमन पॉइंट होता है, यहीं से हमारे सारे सेक्शन जितने भी 19 वोल्ट के सेक्शन है उन सभी जगहों पे हमारा 19 वोल्ट जाता है। तो जैसे कि बैटरी सेक्शन हो गया, स्टेप डाउन सेक्शन, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, जीएफएक्स सेक्शन और पीसीएच सेक्शन, एलवीडीएस सेक्शन, इन सभी जगहों पर हमारे इस कॉमन पॉइंट से ही 19 वोल्ट जाता है। तो हम इसको पहले पूरा बाहर निकालते हैं मदरबोर्ड को और फिर और डिटेल में चेक करते हैं। तो यहाँ पे 19 वोल्ट हमको मिलना चाहिए था, तो हो सकता है कि बाकी 19 वोल्ट सेक्शन जो है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है या हमारे जो वोल्टेज सेक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो निकालने के बाद हम उसको डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो अभी हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके और हम इसके कॉमन पॉइंट मतलब पीएफ रजिस्टर जो है उसको हम ग्राउंड से चेक करेंगे और चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हमको पीएफ रजिस्टर जो है हमारा कॉमन पॉइंट वो हमको शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब कि 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है और 19 वोल्ट के जो भी सेक्शन है उनमें शॉर्टिंग होगी। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम कॉमन पॉइंट का जो रजिस्टर है हमारा उसको हम निकाल देंगे बाहर, या आप एक वन साइड से निकाल के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको वन साइड से निकाल देंगे और निकालने के बाद में फिर हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। अभी हमने यहाँ पे रेसिस्टर को वन साइड से निकाल दिया है और अब हम चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए, तो इससे हमको पता चलेगा कि किस तरफ हमारे शॉर्टिंग है, वोल्टेज में शॉर्टिंग है या हमारे बाकी जो 19 वोल्ट के सेक्शन है उनमें शॉर्टिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से निकाल दिया, वन साइड से ही हमने निकाला है और अब हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे इसको चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वोल्टिंग की साइड पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है और बाकी दूसरी तरफ हमको यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही है। तो अभी हमको यहाँ पे पता चल चुका है कि हमारा वोल्टेज सेक्शन जो है वो एकदम ओके है, जो भी प्रॉब्लम हमारे बाकी के सेक्शनों में है। तो बाकी के सेक्शनों को चेक करने के लिए हमको डायग्राम की हेल्प लगेगी और या तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए कौन से सेक्शन है, तो उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हम एक बार चेक करेंगे हमारा वोल्टेज जो है वो वोल्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं वोल्टेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 19.70 हमको वोल्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी साइड नहीं मिलेगा क्योंकि हमने रेसिस्टर को अभी निकाल दिया है और लगा देंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा ग्राउंड हो जा रहा है वो। तो अभी हम इसको चेक करने के लिए हर सेक्शन में एक कॉइल लगी होती है या फिर एक जंपर लगा होता है, तो हम जंपर को निकालेंगे और अगर कॉइल लगी होगी तो कॉइल को निकालेंगे और आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कौन सी कॉइल है और कौन सा जंपर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमको एक जंपर दिख रहा है जो कि 19 वोल्ट का है और ये भी ग्राउंड से बिहेव कर रहा है। तो हम इसको निकाल के और देखेंगे शॉर्टिंग के लिए, चेक करेंगे शॉर्टिंग हट रही है हमारी या नहीं हट रही है। ऐसे आपको हर सेक्शन में आपको वन बाय वन करके कॉइल है तो कॉइल को निकालना होगा और अगर जंपर लगा हुआ है तो जंपर को निकाल के आपको शॉर्टिंग चेक करना होगा। तो हमने यहाँ पे जंपर हटाया है और अभी देखते हैं तो अभी भी हमको बेप का साउंड जो है सुनाई दे रहा है, अभी भी शॉर्टिंग है इसमें। तो हमारी ये सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है, अभी भी शॉर्टिंग दिखा रही है, तो अभी पता चलता है हमारी सेक्शन में तो शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम दूसरे सेक्शन को चेक करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि 19 वोल्ट के कौन कौन सेक्शन हैं होते हैं और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 19 वोल्ट के सेक्शन कौन कौन से हैं, तो आप उन्हें चेक करें और अगर चाहे तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि वोल्टिंग सेक्शन कौन कौन से हैं। तो वोल्टिंग सेक्शन में आपको चेक करना है तो सभी की जो इनपुट की कॉइल होती है सभी सेक्शन के उनको आपको हटा करके उनको चेक करना है। और तो बैटरी सेक्शन हो गया और स्टेप डाउन सेक्शन, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन और जीएफएक्स सेक्शन, पीसीएच और एलवीडीएस, इन टोटल 8 सेक्शन में 19 वोल्ट इनपुट होता है। तो इन्हीं 8 सेक्शन की आप कॉइल को निकालेंगे
या जम्पर होगा तो जम्पर को निकाल करके आप चेक कर सकते हैं सॉर्टिंग, किसी एक सेक्शन में ही आपको सॉर्टिंग मिलेगी। तो आप वन बाय वन करके जम्पर हटा करके सॉर्टिंग को चेक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैं एक और शॉर्टकट तरीका भी बताने वाला हूँ, और वो तरीका है जिसके पास डीसी पावर सप्लाई है उसके लिए, और जिसके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है मल्टीमीटर की हेल्प से आपको शॉर्टिंग हटाना है तो आपको इसी तरीके वन बाय वन जम्पर को रिमूव करके ही करना होगा। अभी तक हमने तीन जम्पर को हटाए हैं और अभी हमारी शॉर्टिंग हटी नहीं है, तो अभी हमको सेक्शन कन्फर्म नहीं हुआ किस सेक्शन में हमारी शॉर्टिंग है। और ये एक और जम्पर है, इसको भी हटा के देखेंगे, और अगर नहीं हटती है तो फिर हम अपनी डीसी की हेल्प, डीसी मशीन की मतलब डीसी पावर सप्लाई की हेल्प से हम शॉर्टिंग को पता करेंगे कहाँ पे और कौन सा पार्ट हमारा खराब है। तो अभी भी हमको शॉर्टिंग दिखा रही थी, तो अब हम क्या करते हैं, जो जो जम्पर हमने हटाए थे उन जम्परों को हम यहाँ पर लगा देंगे, और लगाने के बाद में हम इसको कनेक्ट करेंगे डीसी पावर सप्लाई से। जम्पर वापस से लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं आप आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, प्रॉब्लम को रिपेयर भी कर देंगे, जम्पर नहीं लगाएंगे तो आपका मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होगा। पीएम एक छोटी सी वायर लेकर के हम पीएफ रजिस्टर जो हमने निकाला था हम उस पर लगा देंगे, और फिर डीसी पावर सप्लाई से बोल्ट को देकर के इसको चालू करके देखेंगे। तो हम इसकी ब्लैक वायर को हम ग्राउंड कर देंगे मदरबोर्ड में कहीं पर भी। कहीं पर भी आप इसको ग्राउंड दे सकते हैं, और अभी जो रेड है हम इसको जो जम्पर हमने दिया है वायर लगाया हुआ है उस वायर पे हम इसको लगा देते हैं, और उसके बाद चलते हैं हम डीसी पावर सप्लाई की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि कितना वोल्ट देना है आपको। ज़्यादा वोल्ट नहीं देना है उसमें, शुरू में आपको कम वोल्ट ही देना है उसमें। हम इसको अच्छे पहले कर देते हैं सर, ताकि मदरबोर्ड में और कहीं पर टच ना हुए। इस तरह हमने जम्पर वायर को लगाया हुआ है, और अब यहाँ पे आप वोल्ट देख सकते हैं, तो हम भी यहाँ पे 1.5 वोल्ट दे करके देखेंगे, मैं दे दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.7 एम्पीयर ले रहा है, और अभी हम मदरबोर्ड पे हीट चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हीट हो रहा है और कौन से कंपोनेंट हमको गर्म दिख रहा है या गर्म हो रहा है, उसके लिए चेक करेंगे हम। क्योंकि अभी हमारा 1.2 समथिंग 1.8 एम्पियर ले रहा है, तो हम इतने देर तक ऑन रखें, अगर आपका एम्पियर ज़्यादा लेता है तो आपको तुरंत बंद करना होगा या वोल्ट को और कम करना होगा। तो अभी हमको यहाँ पे हीट समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी हम वोल्ट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो करते हैं बंद, और जो इसका वोल्ट है उसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो अभी हम यहाँ पे 2 वोल्ट दे करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी हीट देखने को मिल रही है और थोड़ा सा गर्म लग रहा है वहाँ पे, देखते हैं चेक करते हैं। तो ये जो कॉइल दिख रही है उसके पास कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो उसी में से कोई है कैपेसिटर हमको हीट लग रहा था, तो अभी हम जैसे थोड़ा सा थिनर डालेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे थिनर बहुत बहुत जल्द ड्राई हो जा रहा है, तो तीन कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर है जो कि ख़राब है, तो हम कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे, और फिर बाहर निकालने के बाद में फिर शॉर्टिंग को चेक करेंगे।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर है जो कि ख़राब दिख रहा है, ये बीच वाला। तो हम पहले इस कैपेसिटर को निकालते हैं और निकालने के बाद में हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे, शॉर्टिंग हट रही है या नहीं हट रही है। तो कैपेसिटर हम निकाल दिया, अभी कैपेसिटर को तो निकालने के बाद हम चेक करते हैं। एक प्रोब हम ग्राउंड करेंगे और फिर हम कॉमन पॉइंट चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमको पहले शॉर्टिंग दिखा रही थी, अभी यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है। कैपेसिटर के एक तरफ ग्राउंड रहता है तो ग्राउंड दिख रहा है। अभी ये जो कैपेसिटर हमने निकाला है हम उसको चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर ख़राब दिखा रहा है हमको, और यही शॉर्ट था। तो हम अभी इसी की जगह पे हम दूसरा लगाएंगे कैपेसिटर, और अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास है तो लगा दें, वरना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी बाकी जगह पर भी चेक करते हैं, और कुछ तो नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। अभी हमारी शॉर्टिंग जो है हट चुकी है। तो हमने सब जगह पे चेक कर लिया है, अभी और कहीं भी शॉर्टिंग हमको दिख नहीं रही है। तो अभी हम इसके जंपर को हटाते हैं, जंपर वायर को, और इस रजिस्टर को, जो पीएफ रजिस्टर है हमारा कॉमन पॉइंट, उसको अच्छे से लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे रजिस्टर हमने लगा दिया है, और अब हम इस कैपेसिटर को देखते हैं, हमारे पास अगर है तो हम लगाते हैं दूसरा। और आप इसकी जगह पे कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं जो कि नॉन पोलराइज होना चाहिए, और सेम साइज़ का आप लगा सकते हैं। तो कोई से भी मदरबोर्ड से आप निकाल के सेम साइज़ का उसको लगा दें, आपका काम हो जाएगा। इसको निकाले हमने, पहले हम इसको चेक करेंगे लगाने के पहले। और नॉन पोलर कैपेसिटर की टेस्टिंग आपको पता होगी, बोथ साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करता है, तो ओके कंडीशन में। तो अब हम इस कैपेसिटर को लगाते हैं इसकी जगह पे, जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे लगा देंगे हम इसको। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लग गया है, सोल्डरिंग हो गई है हमारे कैपेसिटर की। और अब इसके बाद में हम इसमें फिर से और लगा के इसको चेक करेंगे। तो इसका पावर बटन लगा लेते हैं। रैम भी लगाएंगे ताकि चालू होता है तो हम इसका डिस्प्ले चेक कर सकें। अभी हम इसमें वीजीए लगा रहे हैं, और इसका जो डिस्प्ले अभी उसको नहीं लगा रहे हैं, उसको भी लगाएंगे बाद में अगर हमारा ये चालू हो जाता है तो। और अगर हम इसका चार्जर अडाप्टर लगा करके हम देखते हैं ये चालू हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसके पावर बटन पर इसकी लाइट जो है ग्लो कर रही है, और पावर बटन प्रेस करने पर ये ऑन भी हुआ है अभी। अभी इसका फैन घूम नहीं रहा है,
जैसे हिट होने पर रन होमेगा वो, देख सकते हैं आप ये चालू, अभी इसका पावर बटन ने प्रेस किया तो लाइट इसके ऑन हो गई है, मतलब कि मदरबोर्ड ऑन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले भी आ चुका है। देखिए आप इसका पावर ऑन है, इसका डिस्प्ले भी आ गया है, और इसको एक बार बंद करके फिर से हम एक बार चालू करेंगे। कीबोर्ड भी लगा देते हैं ताकि आपको डिस्प्ले कीबोर्ड को दिखा सकें मैम लोग से। और यहाँ पे आप जब भी देख सकते हैं अभी इसका फैन भी घूम रहा है अच्छे से, और ये मैम लोग भी देख सकते हैं आप, मैम लोग लाइट भी ऑन ऑफ हो रही है। इसको करते हैं बंद। ऑन किए तो ऑन हुआ है, मैकेनिक से जब हीट हो जा रहा प्रोसेसर तब रन कर रहा है, ऑन हो गया। और डिस्प्ले देखते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले आ गया इसका, देख सकते हैं आप नेम लॉक प्रेस कर रहे हो तो नेम लॉक की जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही है। और जब प्रोसेसर हीट हो रहा है तो इसको पानी कहीं करने लग रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारी रिपेयर हो चुका है, और जो इसमें प्रॉब्लम थी तो 19 वोल्ट शॉर्टिंग की प्रॉब्लम थी, जो कि एक छोटा सा कैपेसिटर खराब था हमारा और उसको किसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलो सब निकाल के इसको बंद करते हैं और इसको पैक करके हम आपसे मिलते हैं।